हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका चैप्टर है अकाउंटिंग एंड स्टेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि ये एमकॉम एग्जाम में अक्टूबर 2012 में पूछा गया था, नवम्बर 2008 में पूछा गया था, इवन सीएपीसीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंश्योरेंस का। तो इस क्वेश्चन को आई होप कि आप लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो इस क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। तो इंश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइनल अकाउंट बना रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो फॉर्म बी आर ए रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, पर्टिकुलर शेड्यूल वन रूपीज, प्रीमियम अर्न जो कि आपका शेड्यूल वन है, देन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेट। इस तरीके से चीजें आपको लिख लेनी है। और फिर टोटल इनकम होगा एंड देन क्लेम इनकर जो कि सेकंड शेड्यूल है, कमीशन थर्ड शेड्यूल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस ये फोर्थ। तो इस तरीके से फोर्थ शेड्यूल लिख लेना है, देन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, देन ऑपरेटिंग जो आप माइनस करेंगे इनकम से एक्सपेंसेस को तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ओके, तो हम फटाफट करते हैं अब पोस्टिंग की कौन सी चीज कहां पे जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा फॉर्मेट जो कि शेड्यूल वन है प्रीमियम का, प्रीमियम वन। तो प्रीमियम वन में प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट बिजनेस, देन उसमें क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, देन ऐड करना है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड जहां पे रिसीव रहेगा, क्लोजिंग अमाउंट एंड ओपनिंग अमाउंट जो आपको इस बुक में दिया है एज इट इज ही करना है। तो यहां पे आपको बुक में दिया है तो डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस। ओके, तो अमाउंट रिसीव, रिसीव यहाँ पे यहाँ पे 30 लाख बोला है, तो इसलिए आप क्या करोगे अमाउंट में जो आपको यहाँ पे दिया है अमाउंट, उसी अमाउंट में 30 लाख आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको 30 लाख लिख देना है, देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है तो आपको ये इस क्वेश्चन में मिलेगा कि रिसीवेबल एट द 2,40,000 है, 2,40,000 आपका क्लोजिंग है और 1,80,000 ओपनिंग है। तो यहाँ पे आपको 2,40,000 क्लोजिंग अमाउंट लिखना है, 1,80,000 ओपनिंग, देन 30 लाख में 2,40,000 ऐड करो, माइनस करो 1,80,000, तो आपको मिलेगा 30 लाख जो कि आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा जो कि इस तरीके से होगा 3,60,000। ओके, देन 30,60,000 आपका अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। देन आता है एड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे रिसीव, रिसीव का अमाउंट जो है री इंश्योरेंस बोला है, दैट्स वाई री इंश्योरेंस जो कि 2,40,000 है रिसीव का अमाउंट, तो 2,40,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। देन क्लोजिंग का यहाँ पे बोला गया है, क्लोजिंग जो कि क्लोजिंग आपका है 36,000, ओपनिंग है 24,000, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख लेना है। देन 2,40,000 में ऐड करो 36,000, माइनस करो 24,000, तो आपको मिलेगा 2,52,000। ओके, देन आते हैं प्रीमियम री इंश्योरेंस सीडेड जहां पे पेड होता है। तो अभी पेड का देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पेड का अमाउंट दिया गया है जो कि 3,60,000 है और क्लोजिंग दिया है 42,000, ओपनिंग दिया है 30,000, तो यही अमाउंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे 3,60,000, क्लोजिंग 42,000, माइनस ओपनिंग 30,000। अब इस तरीके से किया तो 3,72,000 आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको अमाउंट था 30,60,000 ऐड करो 2,52,000 और उसमें से लेस कर दो जो कि है 3,72,000 लेस करो, तो आपको मिलेगा 29,40,000 है नेट प्रीमियम आपका आ गया। देन आपको क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया गया है और एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला गया है 50% एडिशनल रिजर्व है, अनएक्सपायर का एडिशनल रिजर्व। तो 50%
तो आपको यहाँ पे जो 2,94,000 29,40,000 है, 29,40,000 का 50% करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा जो कि है 14,70,000। इस तरीके से आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है आपको जो कि है क्वेश्चन में बोला गया है 5% ऑन एडिशनल रिजर्व। 5% ऑन एडिशनल रिजर्व बोला है, इट मीन्स कि 29,40,000 का 5% भी करोगे तो आपको मिलेगा 14,07,000। ये दोनों अमाउंट को ऐड करना है, ये आप देन माइनस करना है। अब यहाँ पे बोला है रिजर्व अनएक्सपायर 50%, रिजर्व अनएक्सपायर 50% बोला है, और जो कि है आपको 2012-13 का ईयर है, 24 लाख में 50% आपको करना है। तो 24 लाख का 50% करोगे तो यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। देन उसके बाद आपको बोला है एडिशनल रिजर्व 7.5, मतलब कि 7.50 ओके वॉज क्रिएटेड। तो 24 लाख का 7.50 इसको आपको करना है, परसेंटेज करना है, तो आपको मिलेगा 1,80,000। ये दोनों अमाउंट को माइनस करना है। ये दोनों अमाउंट आपके ओपनिंग हो गए और ये जो दो अमाउंट है ये क्लोजिंग हो गए। इस तरीके से ये दोनों को ऐड करो और यहाँ पे माइनस करो तो आपको मिलेगा 3,37,000। 3,37,000 आपको अमाउंट मिल गया। आप 29,40,000 से माइनस कर दो 3,37,000 तो आपको मिलेगा 2,70,000, सॉरी 27,03,000 मिलेगा। ये आपका नेट प्रीमियम है और यही नेट प्रीमियम अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे प्रीमियम अन में लिख देना है ओके। देन आता है नेक्स्ट है हमारा क्लेम, जो कि डायरेक्ट बिजनेस है। तो क्लेम का अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखना होगा क्लेम का। तो क्वेश्चन में अमाउंट पेड क्लेम का अमाउंट दिया है 18 लाख, तो 18 लाख यहाँ पे हमने लिखा, ये हमारा 18 लाख लिख लिया है। देन लीगल चार्जेस हमें क्वेश्चन में बोला गया है, लीगल चार्जेस जो कि है यहाँ पे 12,000 मैनेजमेंट एक्सपेंस इंक्लूडिंग 12,000 रिलेटेड टू लीगल चार्जेस है। तो 12,000 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 18 लाख में 12,000 ऐड हुआ तो 18,12,000 हो गया। अब यहाँ पे जो ऐड किया है देन प्लस करना है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब पेड का अमाउंट जो है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में पेड का अमाउंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है, और 1,80,000 है पेड अमाउंट, 18,000 है क्लोजिंग और 12,000 है ओपनिंग। तो इस तरीके से वही अमाउंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देन 1,80,000 में 18,000 प्लस किया और माइनस किया 12,000, तो मुझे 1,86,000 मिल गया। देन री इंश्योरेंस सीडेड में आपको री इंश्योरेंस सीडेड बोला है, रिसीव बोला है, तो रिसीव का अमाउंट जो कि 1,20,000 है और क्लोजिंग है 12,000, ओपनिंग है 18,000। तो इस तरीके से अमाउंट को मैंने यहाँ पे लिखा। देन 1,20,000 में ऐड किया 12,000, माइनस किया 18,000, तो मुझे अमाउंट मिला 1,14,000। ये सीडेड है, दैट्स वाई पहले मैं 18,12,000 को ऐड करूंगी 1,86,000 से, देन माइनस कर दूंगी 1,14,000 को, तो मुझे आंसर मिलेगा 18,84,000 ओके। ये मेरा नेट क्लेम आ गया। अब मैं क्लोजिंग डायरेक्ट बिजनेस, तो डायरेक्ट बिजनेस का यहाँ पे 1,20,000 क्लोजिंग है, 60,000 ओपनिंग है, तो यहाँ पे 1,20,000 लिखा, ऐड किया मैंने तो मुझे मिला 20,04,000। देन मैं उसमें माइनस कर दूंगी ओपनिंग, माइनस करूंगी 60,000, तो मुझे मिलेगा 19,44,000। ये मेरा नेट क्लेम इंकर्ड पेड है, मतलब कि शेड्यूल टू। तो यही शेड्यूल टू वाला अमाउंट जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मेरे रेवेन्यू अकाउंट में। देन नेक्स्ट है मेरा कमीशन। कमीशन में मैं अभी यहाँ पे मेरा कमीशन देखूंगी, तो कमीशन यहाँ पे दिया है जो कि है 72,000 डायरेक्ट बिजनेस, तो 72,000 लिखूंगी। देन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड दिया है 10,800, तो 10,800 लिखा। देन उसमें से माइनस किया 14,400 रिसीव वाला, तो यहाँ पे माइनस किया, तो 72,000 में ऐड किया 10,800, देन माइनस किया 14,400, तो मुझे मिला 68,400। 68,400 ये मेरा टोटल कमीशन हो गया। ये टोटल कमीशन मैं अब क्या करूंगी, रेवेन्यू अकाउंट में कमीशन के प्लेस में लिख दूंगी। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो कि 1,32,000 है, और उसको माइनस करूंगी 12,000 से,
132,000 में माइनस किया 12,000 तो मुझे 120,000 मिला, ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिया है। देन मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे जो कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और वही इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो कि 30,000 है और वही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मैंने यहाँ पे लिखा है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो इनकम टैक्स है उसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये इंश्योरेंस में नहीं आता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग, वो सब हमें जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिया। ये भी हमें लेने की जरूरत नहीं है, 2,07,000 ये भी लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके तो जो जो चीजें हमें दी है वो हमने मेंशन कर दिया है और अब हम टैली कर लेंगे। तो जो चीजें थी वो हमने इधर पोस्टिंग कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है 27,03,000 ऐड करूंगी 30,000 तो मुझे मिलेगा 27,33,000, ये मेरा इनकम हो गया। देन क्लेम का अमाउंट है 19,44,000, देन 68,400 और 1,20,000, इनको ऐड किया तो मुझे मिला 21,32,400, ये मेरा एक्सपेंसेस है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस किया तो 6,600 मिला, 6,600 ये मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि बहुत ही इजी था। तो अगर आपको इंश्योरेंस ऑप्शन में आता है तो आई थिंक आपको अटेंड करना चाहिए। और अगर आपको डाउट है कि अब मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मेन आंसर है आपका यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मत लिखिएगा। ओके वो नहीं लिखेंगे तो आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डाउट है मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है बिकॉज कि पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू जैसा पोस्टिंग है उसके हिसाब से किया तो राइट ही है, बट ऑपरेटिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बहुत ही ईजी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।